अनामती विद्या करनी बाधा काला जादू। जय महाकाली। भानामती मैली विद्या साधक दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसे विषय के बारे में बताएंगे जिसका नाम है तंत्र भानती से काले जादू को कैसे अंजाम दिया जाता है, जिसका नाम है भानामती की मैली विद्या। मित्रों यह एक अघोरी विद्या का ही एक रूप है। मित्रों यह एक ऐसी विद्या है जिससे सिर्फ और सिर्फ किसी का विनाश या अनिष्ट ही किया जाता है। या आप ये समझिए कि किसी का बुरा करना हो तो आप भानती विद्या के जरिए आप किसी को अनाहत कष्ट यातना भेज सकते हो, किसी को बीमार कर सकते हो, खून की उल्टियां या श्रौच के द्वारा खून का गिरना, किसी के खेत खलिहान में अचानक से आग लग जाना, घर के छत पर पत्थर बरसाना, या अचानक घर के छत पर आग लग जाना, या आपके पीछे सर्प लगा देना, व्यक्ति का दिमाग भ्रमित रहना, भूख प्यास बंद हो जाना या पाखाना बंद हो जाना, शरीर में असहाय सुई की तरह चुभन होना, लगातार चुभन होना, श्वास का बंद होना, सांस का उखड़ना, लगातार घबराहट, पसीना आना, डॉक्टर की सारी रिपोर्ट के बाद शरीर में बीमारी रहना, कमजोरी, दिमाग ना चलना, घर में बिना किसी कारण लड़ाई झगड़े, अशांति और कलेश रहना, एक मायूसी का माहौल रहना, एक दूसरे पर बिना किसी कारण गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब काले जादू अघोरी क्रिया भानामती के तंत्र द्वारा कराया जाता है। मित्रों भानामती तंत्र का ज्यादातर प्रयोग महाराष्ट्र और MP में ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में, उत्तर भारत में इस विद्या को टोनहिक नाम से जाना जाता है। मित्रों भानती तंत्र बहुत ही तेज गति से काम करती है। जैसे यहाँ मंत्र फूका और वहाँ एक घंटे के अंदर कोसों दूर रहने वाले व्यक्ति पर यह तंत्र सवार हो जाना शुरू हो जाता है। भानामती विद्या में ज्यादातर गुड़िया बनाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे भानती तंत्र का विशेष मंत्र गुड़िया यानी डॉल पर मंत्र फूका जाता है, वैसे वैसे उसकी विकृत गति सामने वाले व्यक्ति पर सवार होना शुरू हो जाता है। कैसे भानामती तंत्र को जगाया जाता है, क्या और कैसे होती है क्रिया, इसकी विधि और विधान। मित्रों भानामती विद्या को जगाने के लिए मसान का प्रयोग किया जाता है। उसमें मुख्यतः मरे हुए मुर्दे का वस्त्र, मरे हुए मुर्दे के छाती पर डाले हुए गुलाल या प्रेत अगर औरत का हो तो उसके सिंगार का उपयोग इस क्रिया में किया जाता है। उस प्रेत की हड्डियां या मरी हुई सुहागन की चूड़ियां भी इस्तेमाल की जाती है। बहुत कुछ वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है जो यहाँ बताना मुमकिन नहीं है, अपितु ज्ञान वर्धन के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। भानामती विद्या के लिए विशेष अमावस्या के सायंकाल में नदी के अंदर पानी में खड़े होकर मंत्र का एकाग्र चित होकर जप करना पड़ता है। नग्न अवस्था में जाप करना पड़ता है। उसके बाद फिर कुछ दिनों तक देर रात तक जलती चिता के समक्ष जाप करना पड़ता है। मुर्दे के लिए इस्तेमाल की हुई ठीकरे का उपयोग भी इस तंत्र में किया जाता है। उन बुरी ताकतों को अपने काबू करने के लिए इन सब क्रियाओं को करना जरूरी होता है, तभी इन विद्याओं पर प्रभुत्व जमा सकते हो, अन्यथा जान से हाथ धोने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन सब विद्याओं को सीखने के लिए तांत्रिक गुरु का सानिध्य परम आवश्यक होता है। मित्रों अगर कोई व्यक्ति भानामती की चपेट में आ गया तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छे तांत्रिक इसे बंद नहीं कर पाते। अगर किसी ने किया भी बंद तो वो एक हफ्ते तक शांत रहने के बाद फिर से जोर पकड़ लेता है। कभी कभी तो महीने और 6 महीने के बाद फिर से सिर बाहर निकल लेता है और व्यक्ति को फिर से पीड़ा होना शुरू हो जाती है। जब तक इस भानामती क्रिया को बंद करने का कोई सही ओझा गुणी तांत्रिक नहीं मिल जाता तब तक व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाते रहता है, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाते हैं। ऐसे में नकली तांत्रिक बाबा जो दुकान खोलकर बैठे हैं वो इसका फायदा उठा लेते हैं। ये कह लीजिए कि दृष्ट ग्रहों का खेल काल चक्र आपको इस रूप में प्रताड़ित कर रहा है, ये जिसके ऊपर बीतती उसके लिए किसी परीक्षा के घड़ी से कम नहीं होती। अगर समय से पहले इसका कोई योग्य उपाय नहीं किया जाए या योग्य गुरु से परामर्श नहीं मिले तो व्यक्ति गतप्राण भी हो जाता है। बाबा महाकाल उनकी रक्षा करे, दुआ करता हूँ। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उस पर ये क्रिया की गई है तो उक्त मंत्र का जाप करके बाधित व्यक्ति को पानी पिलाते रहिए। मगर मित्रों इससे पूर्ण तरीके से ठीक तो नहीं होगा, मगर कुछ हद तक राहत जरूर मिल जाएगी। जो बाधित व्यक्ति के साथ उपद्रव हो रहा हो वो थोड़ा शांत जरूर होगा। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक फूल, दो फरमान, उठो मोहम्मद, लियो कमान, शाह सुल्तान पुरो बाद, 180,000 पैगम्बर की दुहाई।
घटपिंड में पीड़ा करे तो तोड़ तोड़ मार मार दमे सैयद अहमदी। कबीर 1700 बला खींच के लियावे जंजीर बांध लियाव। हैदर भूत बला 900 डाकिनी शाकिनी बांध बहक केला इल्ला मोहम्मद रसूलिल्लाह।